सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कमाल का एक्सपेरिमेंट जो हम करने वाले हैं इस मूली के साथ। ओके, तो आज का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके लिए हमने दो मूली यहाँ ले लिया है। ओके, इस प्रकार से दो मूली जो है वो हमने ले लिए हैं। अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से मूली लाते हैं ना। मूली हर कोई लाता है, किसी को जिसको पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है। हर कोई मूली लाता है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन किसी को पसंद होता है, मतलब किसी को पसंद होता है तो वो लाता है और किसी को पसंद नहीं होता तो वो नहीं लाता। सिंपल सी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो। आज के इस वीडियो में हम पूरे मूली का ही बात करने वाले हैं कि मूली को कैसे पहचाने कि वो सही है या नहीं। और आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सी मूली आपको खानी चाहिए और कौन सी मूली खानी नहीं चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। फिर वीडियो शुरू करते हैं और मूलियों के साथ करते हैं हम धम्मा के। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और ज्यादा नहीं बोल सकती मैं आपको, सब्सक्राइब कर लो। ने यहाँ ले लिया एक ट्रे, ट्रे में है पानी और फिर हम इन दो मूली को यहाँ डालने वाले हैं। तो ये पहला मूली, मूली ए, ठीक है, ये मूली ए है, ठीक है। और ये जो मूली है अगर आप ध्यान दें, उस किनारे में ले जाता हूँ, ध्यान दे रहे होंगे तो ये मूली जो है वो पानी में डूब चुकी है। ओके, अब बारी है इस सेकेंड मूली का। तो मूली बीचा और आपको जो है देखने को यहाँ मिल जाएगा कि फर्स्ट मूली पानी में डूब चुका है और जो सेकेंड मूली है वो अभी भी तैर रहा है पानी में, डूबा नहीं है। ओके, ठीक है, हम इसको और थोड़ा डुबाने की कोशिश करते हैं। डूब जा, डूब, तो ये जो है वो डूब नहीं रहा है, देखो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जो मूली है वो यहाँ पर डूबी हुई है और दो बाकी जो मूली है वो यहाँ तैर रही है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हमें ये डूबी हुई मूली खानी चाहिए ना कि ये तैरती हुई मूली। क्योंकि तैरती हुई मूली में जो गैस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि तैरती हुई मूली में रेफिनोज नाम का पार्टिकल मिलता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। ये जो डूबी हुई मूली है उसके अंदर जो है रेफिनोज नाम का पार्टिकल बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए आपको ये जो है इसे खाना चाहिए। अच्छा, अब बात यह आता है कि मूली तो वही मूली है, कोई सी मूली खाओ गैस बनती ही है, चाहे वो तैरती हुई खाओ या फिर डूबी हुई खाओ, गैस बनती ही है। ओके, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गैस बनने का जो मेन कारण होता है वो होता है आपका टाइमिंग और आप उसको कैसा खा रहे हैं। ओके, आप उसको कच्चा खा रहे हैं, उसे पका के खा रहे हैं, उसे उबालने के बाद पका रहे हैं या फिर डायरेक्ट पका रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका गैस जो है डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके से खाने से अलग अलग उसके फ़ायदे होते हैं। ओके, जो गलत तरीके से खाता है उसे गैस बनती है और जो सही तरीके से खाता है उसे गैस नहीं बनती। खासकर हमें तब बहुत ज़्यादा गैस बनती है जब हम इन मूली को खाली पेट खाते हैं। कभी भी मूली को जो है खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट खाने से इसके अंदर जो रेफिनोज नाम के जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं आपके पेट में और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ले जाएं, जय जवाहर।